हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज मैं आप सभी के साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिट्टी के घड़े के बारे में, और इसके बारे में जानकारी मैं दूंगी कि अगर आप इस तरह से आप यूज करें तो आपको क्या इसका बेनिफिट होगा। तो अभी क्या है कि समर आ गया है, तो समर में क्या होता है कि हमें अभी लगता है कि हमें थोड़ा ठंडा पानी पीने का मन होता है, लेकिन अभी क्या है कि वेदर चेंज हो रहा है, तो अगर अभी फ्रिज का पानी आप पियेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक घड़ा ले लेना चाहिए। और तो मैं भी घड़ा लाई हूँ अभी, क्योंकि बहुत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ ये शेयर कर सक दूँ, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे जब भी आप घड़ा लेने जाए तो आप देख सकते हैं कि वो सिंपल है कि टोटी वाला है, क्योंकि आजकल इस तरह से इजी हो जाता है निकालने के लिए, तो इस तरह का टोटी वाला भी आता है, तो आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें देखना है कि ये पकी मिट्टी का है कि नहीं, तो इस तरह से आप ठोक के देख सकते हैं। अगर एकदम ठन ठन की आवाज़ आती है, मीन्स कि आपका घड़ा पका है और अच्छा है, पानी ठंडा करेगा। और अगर इस तरह से आवाज़ नहीं आती है तो मीन्स कि घड़ा अच्छा नहीं है। तो ये टिप्स आपके लिए है कि जब भी आप घड़ा खरीदने जाए तो एक बार अपने हाथों से इसको ऐसे ठक करके ज़रूर देखें, जब उसमें से एक अच्छी सी आवाज़ आए तो मतलब आप ही तभी घड़ा लें ताकि वो अच्छा घड़ा निकले आपका। और इस घड़े के नीचे रखने के लिए इस तरह का आता है, तो उससे क्या होता है कि हम इसके ऊपर घड़े रख देते हैं तो घड़ा हमारा हिलता डुलता नहीं है, आराम से आप इसको इस पर रख के यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप रेत भी रख सकते हैं, रेत डाल के अगर आप घड़े को रखेंगे तो और अच्छा हमारा पानी ठंडा होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा पानी। तो आपको अगर रेत मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसका भी यूज कर सकते हैं। पुराने ज़माने में तो सभी लोग घड़े का पानी पीते थे, और अभी क्या है कि फ्रिज का पानी पीते हैं तो बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें घड़े का पानी पिए तो अच्छा है। तो नेक्स्ट, पानी को हमें अगर ठंडा रखना है तो एक आप टॉवेल ले सकते हैं, कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। तो उसमें क्या करना है कि हमें उसको भिगो लेना है पानी में, और भिगोने के बाद हमको क्या करना है कि घड़े के ऊपर इस तरह से लपेट देना है। अगर जब हम इस तरह से लपेट के रखते हैं घड़ा, तो फिर उसमें हमारा पानी बहुत अधिक ठंडा रहता है और बहुत देर तक ठंडा बना रहता है। अगर आप इस तरह से, और घड़े को हमें क्या करना है कि ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कि कहीं धूप ना आती हो, अंदर छाएं की जगह में ही रखना है। तीसरी टिप्स ये है कि जब भी आप घड़ा लाएं तो सबसे पहले उसको अच्छे से धो लें। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप घड़े को अच्छे से धो लें अंदर से बाहर से सब जगह से, और उसके बाद इसके अंदर जो है पानी भर के आपको रखना है। एक नाइट, होल नाइट आप इसमें पानी भर के रख दीजिए ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी है वो सब निकल आएगी, और उसके बाद फिर वो पानी आप निकालने के बाद ही फिर आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है, तो फिर उसके बाद ही आप इसमें पीने वाला पानी भरें। तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान देना है कि, और उससे क्या होता है कि एक बार हम भिगो देते हैं तो हमारा घड़ा पक्का और अच्छा हो जाता है। पानी देखिए, अब देखिए कितना साफ पानी है, इसको मैंने यहाँ पे भर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा, और आप भी घड़ा लाइए और उसको यूज कीजिए। और क्योंकि फ्रिज का पानी तो अभी बहुत नुकसानदायक होता है, हमें फ्रिज का पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज का जो पानी होता है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हमें मन तो होता है पीने का, लेकिन उसकी जगह पर आप ये घड़े का पानी पिए, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, स्टे होम स्टे सेफ।